ये वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि फ्यूचर में जब जियान और यून दोबारा मिलेंगे तो अब क्या होगा, और साथ ही जब यून जीमा एम्पायर को छोड़ के जाती है तो उसे क्या कुछ सहना पड़ता है, और अब वो कौन से लेवल पे पहुंच गई है। और इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एकदम डिटेल में सब कुछ बताने वाला हूँ, और ये सेम स्टोरी आपको जब ऑफिशियल एपिसोड आएगी आज से 2-3 साल बाद तब सेम देखने को मिलेगी, कोई भी चेंजेस नहीं होंगी। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा मिस्टी क्लाउड से तबाह होने के बाद यून जियान से लास्ट टाइम मिलती और फिर जीमा एम्पायर को छोड़ के वहां से चली जाती है, और फिर इस घटना को हुए 5-6 साल बीत जाते और फिर एक दिन हमें जियान दिखाया जाता है, जियान मास्टर के साथ बैठा हुआ था और मास्टर से बोला था मास्टर अब आप अपनी बोन चिलिंग फिल्म को वापस ले लीजिए, अब मुझे इसकी कोई भी जरूरत नहीं। तो मास्टर बोलते अरे नहीं तू ही रख, अब मुझे इस बोन चिलिंग फिल्म की कोई भी जरूरत नहीं क्योंकि अब मैं काफी पावरफुल ऑलरेडी हो चुका हूं, पर अगर मुझे कोई हेवनली फिल्म चाहिए होगी तो मैं किसी भी मैजिकल बीस्ट को मार के ले लूंगा, पर ये तुम्हारे फिल्म मंत्रा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है इसलिए तुम इसे रखो। पर तभी वहां पे एक सर्वेंट आ जाती और जियान से बोलती कि आपसे मिलने के लिए एक लड़की आई है और वो अपना नाम नायन बता रही है, और नायन नाम सुनते ही मास्टर और जियान काफी शॉक हो जाते और जियान बोलता है ये लड़की इतने सालों बाद मुझसे मिलने के लिए क्यों आई है, कहीं मेरी यून को कुछ हो तो नहीं गया। और फिर जियान मीटिंग हॉल के लिए चला जाता जहाँ पे नायन बैठी चाय पी रही होती, तभी जियान उस मीटिंग हॉल के अंदर एंट्री मारता है तो नायन जियान को देखे खड़ी हो जाती और जियान को ग्रीट करती, तभी जियान नायन से बोलता है नायन तुम्हें क्या हुआ, तुम इतने सालों बाद मुझसे मिलने के लिए क्यों आई हो। तो नायन थोड़ा सा उदास हो जाती और बोलती की हम लोग एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए, इस वजह से हमें तुम्हारी मदद चाहिए। ये सुनती की जियान एकदम से टेंशन में आ जाता और बोलता है क्या कुछ हो गया मेरी यून को, और ये बात सुनती की नायन के एकदम से दिल पे छुरिया सी चल जाती है क्योंकि जियान को इतना ज्यादा केयर करते हुए यून की देखकर उसे लगता है अगर वो जियान से शादी कर लेते तो एक गवान जबरू पावरफुल बंदा उसका होता, पर वो अपने दिल पे पत्थर रखती और बोलती है सब कुछ जानने के लिए तुम्हें स्टार्टिंग से कहानी सुनानी पड़ेगी और उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो जियान बोलता है बिल्कुल डिटेल में सुनाओ कौन सी मेरी बस छूटी जा रही है, और साथ ही वहाँ पे मास्टर भी आ जाते हैं और फिर नायन बताना स्टार्ट करती जब हम लोगों ने जीवा एम्पायर को छोड़ा उसके बाद हम लोग द्वीकी कॉन्टिनेंट के अंदर कोई जगह ढूंढ रहे थे रुकने के लिए, तो हम लोग अलग अलग लैनों के पास अलग अलग सेक्टों के पास जाते थे, और जब सेक्ट वाले लोग जब हमारी मास्टर को देखते थे वो एकदम से बावले हो जाते थे उनकी खूबसूरती में, और वो सभी लोग गंदे तरीके से मास्टर को देखा करते थे और बोला करते थे एक बार दिला दे। ये सुनते जियान को काफी गुस्सा आने लगता है और यहाँ पे नायन बताना कंटिन्यू रखती और बोलती कि पर मास्टर को ये सब चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, इस वजह से हम लोग अलग अलग लैंड जाते थे पर सब जगह सेम ही देखने को मिलता था, पर तभी हमें एक सेक्ट के बारे में पता चलता जहाँ पर सिर्फ लड़की ही रहा करती थी, इस वजह से हम और मास्टर डिसाइड करते उस क्लैन के अंदर जाना और उसका नाम होता है फ्लावर सेक्ट, तो हम लोग उसे जाकर ज्वाइन कर लेते और हमारी पावर काफी ज्यादा होती है, इस वजह से हम लोगों को पहाड़ों की ड्यूटी पे लगा दिया जाता है, तो हम दोनों वहीं पे रहते और कल्टीवेशन किया करते थे। पर तभी हमें कुछ दिनों बाद एक गुफा के बारे में पता चलता है तो हम लोग उस गुफा के अंदर चले जाते हैं, पर उस गुफा के अंदर ऑलरेडी एक औरत होती है और वो मास्टर के ऊपर हमला कर देती है, तो मास्टर उसके अटैकों से बचती रहती पर मास्टर ने कभी भी उसके ऊपर हमला नहीं किया था क्योंकि वो बूढ़ी औरत काफी जख्मी होती, पर मास्टर उसे खाना भी देने लगी थी, इस वजह से वो बूढ़ी औरत मास्टर के ऊपर हमला करना बंद कर देती और वो मास्टर के साथ अच्छे से बिहेव करने लगती है और यहीं पे मास्टर उसकी केयर भी करने लगती और उसकी हेल्प करती थी हर तरीके से, पर हम लोगों को उस बूढ़ी औरत के बारे में कुछ भी नहीं पता था, वो है कौन और वो कहां से आई है और वो कल्टीवेशन कर सकती है या नहीं कर सकती है, हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, पर मास्टर को इन सभी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। पर कुछ ही दिनों बाद वो हमें अपना नाम बताती और उनका नाम होता है ग्रैनी हुआन, और साथ ही हमें कुछ दिनों बाद पता चलता है जो ग्रैनी हुआन थी उन्हें अपनी सारी द्वीकी मेरी मास्टर यूनियन की बॉडी के अंदर डाल दी है और उसे सील कर दिया है क्योंकि हमें बिल्कुल भी आईडिया नहीं था ये बूढ़ी औरत ऐसा कुछ भी कर सकती और इसके पास खुद की कल्टीवेशन द्वीकी भी है। और फिर हमें कुछ दिनों बाद फ्लावर सेक्ट के अंदर पता चलता है ये बूढ़ी औरत कोई और नहीं ये फ्लावर सेक्ट की लीडर है, और साथ ही इसने कुछ टाइम पहले एक बहुत ही बड़ी फाइट करी थी जिस वजह से काफी ज्यादा जख्मी हो गई और आकर उस गुफा के अंदर रहने लगी, पर जैसे वो मरने वाली होती तभी वो एक टोकन बाहर निकालती जो कि फ्लावर सेक्ट के लीडर का टोकन होता है और वो मास्टर को दे देती है, और वो टोकन जिसके पास होगा वही फ्लावर सेक्ट का लीडर होगा, पर मास्टर यून को कोई भी इंटरेस्ट नहीं था फ्लावर सेक्ट का लीडर बनने में क्योंकि उन्हें उस बात का डर था कि अगर वो लीडर बनती है तो इस सेक्ट की भी हालत मिस्टी क्लाउड सेक्ट ऐसी हो जाएगी, इस वजह से वो किसी भी सेक्ट की लीडर बनना नहीं चाहती थी। ये सब सुन के जियान को काफी ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि उसकी वजह से आज वो लीडर बनने से इतना ज्यादा डर रही है क्योंकि मिस्टी क्लाउड सेक्ट को तबाह करने में कोई और नहीं जियान का याद था, और यहीं पे नायन बताना कंटिन्यू रखती और वो बोलती है पर उस बूढ़ी औरत की मरने से पहले बस एक ही ख्वाहिश थी कि इस फ्लावर सेक्ट की लीडर यून बन जाए, और ये सब बोल के वो बूढ़ी औरत टपक लेती है, इस वजह से मास्टर ना चाहती हुए भी उस फ्लावर सेक्ट की लीडर बन जाती है, और एक महीने तक तो सब कुछ एकदम सही चलता रहता है। पर तभी वहाँ पे एंट्री होती एक लड़की की जो कि उस ग्रैनी की काफी अच्छी रिश्तेदार थी या फिर ये बोल सकते हो कि अच्छी चमची थी क्योंकि जब ग्रैनी जिंदा थी तो उसकी बढ़िया मक्खन बटर लगा के उनकी सेवा किया करती थी बस इसलिए कि वो इस सेक्ट की लीडर बन पाए, पर जब उसे ये पता चलता है कि उस ग्रैनी ने लीडर का टोकर यूनियन को दे दिया और साथ ही अपनी द्वीकी भी यूनियन को दे दी है, ये सब सुनकर वो जल के बिचारी भुन जाती है और वो काफी ज्यादा पावरफुल भी होती क्योंकि वो डाओजोंग के 4 स्टार पर थी, और साथ ही उसका जो
बॉयफ्रेंड था वो डाउजोंग के 6 स्टार पर था और वो दोनों ही आकर यून को धमकाने लगी थी कि मास्टर यून लीडर का टोकन उसे दे दे। तो मास्टर यून तो पहले से लीडर नहीं बनना चाहती थी, इस वजह से वो लीडर का टोकन दे भी देती है उसे। और दूसरा, वो डाउजोंग के अभी 1 स्टार पर ही है, इस वजह से वो उससे फाइट भी नहीं कर सकती है। पर मास्टर को इस बात से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी और वो लड़की फ्लावर सेक्ट की लीडर बन जाती। पर कुछ दिनों बाद फिर से उसके चुनचुने काटते हैं और वो फिर से मास्टर के पास आ जाती है क्योंकि अब वो मास्टर को मानना चाहती थी और वो उनसे बोलती कि अब मुझे उस ग्रैनी की दुईकी भी चाहिए। ये सुन दिग्गजन एकदम से शॉक हो जाता है और बोलता है ये कैसे हो सकता है, क्योंकि अब यून अपनी दुईकी उसे देती है तो वो या मर जाएगी या फिर वो काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाएगी और उसका कल्टीवेशन पूरी तरीके से खराब हो जाएगा। तो नैन बोलती हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे, पर वो लड़की यही चाहती थी क्योंकि भले ही मास्टर अभी सेक्ट की लीडर नहीं है पर मोस्टली लोग अभी भी मास्टर की साइड थे, इस वजह से वो लीडर बन के भी लीडर नहीं बन पा रही थी। और ये हमारे मास्टर येलो की दिमाग की बत्ती जल जाती और वो बोलते अरे ये बूढ़ी औरत तो मुझे याद आ गई, जब मैं स्टार्टिंग में दुईकी कॉन्टिनेंट के अंदर घूमा करता भी ये बूढ़ी औरत मुझे मिली थी एक बार और ये तो मेरे से भी एक लेवल ऊपर थी क्योंकि तब ये डाउजोंग के 7 स्टार पर थी, पक्का जरूर इसकी किसी ना किसी पावरफुल वॉरियर से फाइट हुई है, इस वजह से ये जख्मी हो गई होगी। पर उस टाइम पे इस औरत का बहुत बड़ा क्रेज था पूरे दुईकी कॉन्टिनेंट के अंदर, पर इसके साथ जो कुछ भी वो बहुत ही गलत हुआ क्योंकि बेचारी मुझसे पहले ही निपट गई। ये सुनकर जन बोलते अच्छा ठीक है मास्टर, और फिर नायन बोलते फिर अब हमें क्या करना है, क्या हमें फ्लावर सेक्ट को तबाह करना है या पूरे उसके कॉन्टिनेंट को, क्योंकि अब तो हमारा सिस्टम चलता है पूरा। तो नायन बोलती ऐसा कुछ नहीं करना है, पर मास्टर उस लड़की को चैलेंज दे दिए, पर उसका और मास्टर का कोई भी कंपैरिजन नहीं है क्योंकि मास्टर अभी डाउजोंग के 1 स्टार पर है और वो लड़की डाउजोंग के 4 स्टार पर है, इस वजह से मास्टर का जीतना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो इस उनके जन्म था इसमें मैं क्या मदद कर सकता हूँ, वो तो फाइट 1v1 की है, इस वजह से बस एक ही रास्ता बचता है कि मुझे फ्लावर सेक्ट के ऊपर जाकर हमला करना होगा। ये सुन देखिए नायन बोलती ऐसा कुछ भी नहीं है, 1v1 की फाइट नहीं है, हम लोग वहाँ पे डुओ में भी फाइट कर सकते हैं, पर डुओ के लिए उसका पार्टनर ही वहाँ पे आकर मदद कर सकता है, चाहे फिर वो बॉयफ्रेंड हो चाहे फिर वो हस्बैंड हो, क्योंकि भले फ्लावर सेक्ट लड़कियों का सेक्ट हो पर उसकी जनसंख्या बढ़ाने के लिए लड़कों की जरूरत पड़ती है, बस जो सेक्ट की लीडर होगी वो सिर्फ लड़की हो सकती है। और इसी वजह से कोई भी किसी को वहाँ पे चैलेंज करता तो वो अपने बॉयफ्रेंड या अपने हस्बैंड को बुला सकता है वहाँ पर, और इस वजह से उस लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को भी बुला लिया जो कि डाउजोंग के 6 स्टार का वॉरियर है, और इस वजह से उन दोनों की पावर कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है और अब हमारी मास्टर का जीतना बोले इम्पॉसिबल, पर मास्टर फिर भी अपना मुंह बंद करे हुए बैठी हुई है, वो तुमसे कभी भी मदद नहीं मांगेगी और मैं उन्हें ऐसे मरते हुए नहीं देख सकती, इस वजह से मैं तुमसे मदद मांगने के लिए आई हूँ। ये सुनती जियान बोलते ये लड़की पागल वागल है क्या, ऐसा भी क्या ये मुझसे मदद नहीं मांग सकती है। तो मास्टर भी जियान से बोलते जा मेरे शेर, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है, बचा ले उसको जाकर, और साथ ही तुम्हें यहाँ से कुछ वॉरियर को लेके जाना है तो उनको भी लेके चले जाओ, अगर कुछ पंगा बंगा हो जाए तो फ्लावर सेक्ट को उड़ा देना। पर जिन अपने साथ सिर्फ कोइंगली को ले जाता है, वही छोटी सी लड़की स्नेक को कंट्रोल करने वाली, और फिर वो तीनों फ्लावर सेक्ट के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर जियान एक और प्रॉब्लम से जूझ रहा होता है और वो प्रॉब्लम होती है बोन चिलिंग फ्लेम की, क्योंकि जियान अब उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है और जियान अब सोचने लगता है कि अब उसे फाइट में क्या करना है, क्योंकि जियान अभी भी इलाइट डाउजोंग है, पर वो अपने 3 मिस्टर चेंजेस को एक्टिवेट करता है तो वो डाउजोंग के 4 या 5 स्टार तक पहुंच जाएगा, पर उसका बॉयफ्रेंड अभी भी डाउजोंग के 6 स्टार पर है, इसलिए जियान बोलते अगर उसे हराना है तो मुझे अपनी 4 हेवनली फ्लेम की एंग्री बुद्धा लोटस को बनाना होगा, और उससे तो एक डाउजोंग लेवल का 8 स्टार का वॉरियर भी नहीं बच सकता, इस वजह से उसके बॉयफ्रेंड का काम तमाम तो हो जाएगा पक्का। और ऐसे वो 15 दिन तक कंटिन्यू सफर करते करते फ्लावर सेक्ट पहुंच जाते, जहाँ पर जियान देखता है वहाँ की खूबसूरती काफी ज्यादा है, चारों तरफ सुंदर ही सुंदर लड़कियां चमक रही है, चारों तरफ फ्लावर ही फ्लावर, एकदम माहौल सेट, बस यूनियन मिल जाए पूरा मामला सेट हो जाएगा। और यहीं पे यूनियन दिखाई जाती जो कि एक कमरे के अंदर बैठी हुई थी, पर तभी उसे अचानक से कुछ फील होता है, पर उसे ये नहीं पता था कि जियान सच में यहाँ पे एंट्री मार चुका है, पर यूनियन एक कुर्सी के ऊपर बैठी हुई काफी ज्यादा उदास होती क्योंकि आज वो दिन था जब उसकी फाइट होने वाली थी और उसे लग रहा था कि आज वो मारी जाएगी और वो कभी भी अब जियान से नहीं मिल पाएगी, इस वजह से उसने जो जियान के साथ अपना टाइम बिताया था उसके बारे में सोच रही होती। पर तभी वहाँ पे एक सर्वेंट आती है और बोलती कि आपका फाइट का टाइम हो चुका है, तो बोलते ठीक है मैं आती हूँ, और फिर सीन चेंज होकर बैटल रीना के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर उनके सामने वो लड़की और उसका बॉयफ्रेंड खड़ा हुआ होता है, वो उनको अकेले देखकर बोलती है तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है जो तुम्हारे साथ डुओ में फाइट करेगा। ये सुनकर उनके दिमाग में जियान की फोटो आ जाती है, पर वो बोलती है कि नहीं मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं अकेले फाइट करूंगी, इसलिए बकवास करना बंद करो और मेरे ऊपर आकर हमला करो। और ये अपनी तलवार को बाहर निकाली थी और वो लड़की उनके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ लेंगे, तभी आसमान से एक हंसने की आवाज आती है और वो बोलती है तुमने तो मुझे धोखा दे दिया, सच में तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। ये सुन के मुझे काफी ज्यादा हर्ट हुआ है, तो सभी लोग आसमान की तरफ देखने लगते, तभी आसमान में ऐसे दिखाया जाता है हमारा हीरो वन एंड ओनली जियान टर्की। और जब यून जियान को देखते है उसका दिल दिमाग सब हिल जाता है और उसकी कुर्सी का कोई भी ठिकाना नहीं होता है। और इसी मिलन के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है, अगर आप लोग चाहते हो मैं इसके आगे भी एक्सप्लेन करूं फाइट में क्या हुआ और इस फाइट को कौन जीतेगा और जियान कैसे फाइट करेगा और फिर फाइट के बाद क्या होगा, तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो, और साथ ही लाइक में भी कोई कमी नहीं आनी चाहिए, जितने ज्यादा लाइक उतनी जल्दी वीडियो। पर फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारा प्यार।